गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करके आप सब लोग ठीक हो गए। तो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो फाइनल गाइस, आज एक और जगह पे जाने वाला है और उसका नाम है मोरा टेकरा, जो कि इधर सूरत से करीब 20 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं उधर, और वो वहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर, जो कि वहाँ की विजिट करवाऊंगा मैं आप सब लोगों को। और आप सब लोग बोलते रहेंगे कि सिर्फ मंदिर मंदिर ही घूम रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारी ट्रिप है पुणे की, तो उधर का काफ़ी बढ़िया ब्लॉग्स आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंतज़ार कीजिए उस ब्लॉग का भी, और शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। फाइनली गाइस, रेडी हो चुका हूँ मैं अभी जाने के लिए, और जाने वाला हूँ मैं सिर्फ अकेला, और गाड़ी में जाने वाला हूँ अपनी। तो शुरू करते हैं राइड को, क्योंकि फाइनली गाइस आप देख सकते हो ये है रेलवे फाटक। फाइनली गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ इधर मोरा टेकरा मंदिर पे, और ये देख सकते हो नारियल भी ले लिया है। तो चलता हूँ मैं आगे, और गाड़ी तो मैंने पहले ही अंदर पार्क कर दी थी, और नारियल और सब कुछ लेने के लिए अंदर गया था, बाहर गया था मैं। तो चलिए आगे चलते, मिलते हैं आप सब लोगों को। सो फाइनल गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ तपोवन आश्रम मोरा टेकरा। तो फुली वैसे पहुंच तो मैं गया था एक डेढ़ घंटे पहले, लेकिन वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। जो प्रसादी ली हमने वो सब कुछ, और दर्शन किए वो सब कुछ हमने कर लिया मैंने तो, और वैसे तो अकेला ही आया हूँ मैं। और अभी आप सब लोगों को दिखा देता हूँ, पूरा मंदिर की विजिट करवाता हूँ, आप सब लोगों को भी दर्शन करवाता हूँ। फाइनल गाइस, आप देख सकते हो यहाँ से होता है मंदिर की शुरुआत। तो ये आप देख सकते हो ये है मेन मंदिर। देखते हैं अभी उसके अंदर शूट करने देते हैं कि नहीं। इधर जाने के दो रास्ते हैं, इधर से भी जा सकते हैं हम, और इस तरफ से चलते हैं। तो पहले हम इस तरफ से चलते हैं, और उधर भी सब कुछ आप सब लोगों को दिखाऊँगा। तो इधर गाइस हो रहा है इधर रिनोवेशन का वर्क, जो कि आप देख सकते हो। थोड़े आगे आते ही हमको मिलते हैं गाइस, देख सकते हो बड़े हनुमान जी महाराज, जो काफ़ी इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, करीब एक डेढ़ दो मार के है इसकी हाइट है, जो कि आप देख सकते हो। और इधर से मेन मंदिर पास में ही है, तो ये रहा मेन मंदिर, तो चलते हैं उसके अंदर। तो गाइस आप देख सकते हो ये है मेन मंदिर, तो चलते उसके अंदर। और ये हनुमान जी का मंदिर है मेन मंदिर, जो कि शुरुआत करते हैं इस अंदर की। फाइनल गाइज, आप सब लोगों ने थोड़ा बहुत देखा मेन मंदिर में, उससे ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि इधर शूट करना वैसे तो मना है, पता नहीं मना है कि नहीं, लेकिन अगले एक बार मैं आया था तब मुझे ना बोला था शूट करने के लिए, फिर भी मैंने किया था अभी शूट। तो देखते हैं अभी आगे, पीछे आप देख सकते हो ये है विश्राम गुरु, तो चलते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर भी भगवान है, तो देखते हैं उसे भी हम। तो अभी तो दोपहर है, इसकी वजह से ये सब बंद है, और इधर भजन कीर्तन का सामान है, और ये हॉल है विश्राम के लिए, सब लोगों के जो सब लोग आते हैं उसके लिए। सो फाइनल गाइस, अभी मैं आप सब लोगों को मेन मंदिर का भी दर्शन करवा दिया। और इधर गाइस पीछे की ओर है गौशाला, और ये आप देख सकते हैं ये सत्संग भवन, और इस तरफ पीछे है भोजनालय। आप सब लोगों को सुबह दोपहर शाम साथ ही आप सब लोगों को दोपहर के बाद यानी 4-5 बजे जब नाश्ता में प्रसादी भी मिलती है, मैं आप सब लोगों को भोजनालय का भी इधर बाहर से ही दर्शन करवा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो ये है भोजनालय, तो इधर आप सब लोग प्रसाद ले सकते हैं, और आप सब लोगों को खुद को ही डिश भी आप सब लोगों को साफ़ करनी पड़ेगी। और ये देख सकते हो ये है सत्संग भवन, इसके अंदर कभी कथा और सब कुछ होता है। और इस तरफ है गाइस वो गौशाला, तो हम चलते हैं उस तरफ, और उधर जाके मिलता हूँ मैं आप सब लोगों को। आप देख सकते हो इधर कितनी ज़्यादा मात्रा में तुलसी का छोड़ है। तो और ये रही गाइस गौशाला, तो अभी आगे जाके मिलता हूँ आप सब लोगों को, क्योंकि गाइस आप देख सकते हो ये है गौशाला। तो पहले ये बापू थे गाइस आप देख सकते हो, अभी वो देव हो चुके हैं। तो ये है गौशाला, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मात्रा में भी गाय है अभी इधर भी। और इसको हम कुछ बाहर से नहीं खिला सकते, वो अंदर ही देंगे वो सब लोग। फाइनल गाइस, ये मोरा टेकरा तपोवन आश्रम किस तरफ किस जगह पे आया उसका गूगल लोकेशन में भी आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो उधर जाके आप इसका लोकेशन देख सकते हो और सब कुछ पिक और सब कुछ देख सकते हो। एंड मिलता हूँ मैं अभी आप सब लोगों को रास्ते में। फाइनल गाइस, आप सब लोगों को तपोवन आश्रम वाला वीडियो काफ़ी बढ़िया लगा होगा। अभी तो मैं अकेला आया, इसलिए जैसे आपको रोड का व्यू भी आप सब लोगों को नहीं दिखा पाया, तो चलते अभी।